मॉर्निंग। थोड़ी सी हमको सर्दी हो गई है और बरसात के दिन में गद्दे भी थोड़े सीम जाते हैं, तो आज हस्बैंड धूप में डाल लेते हैं, तो मैं बोल रही अच्छे से इनको लाठी चार्ज करिए। बढ़िया से लाठी चार्ज करो। आज अर्नव बोल रहे थे मम्मा मेरा बाल ऐसे करके धुल दो, क्योंकि छोटे बेबी का मैं आज बाल धुल रही थी ऐसे ही नीचे टब लगा के, तो फिर ये बोले थे मम्मा मेरा भी ऐसा कर दो, तो इनका तो अक्सर करके हो ही जाता है ऐसे करके, तो क्योंकि ये नहाते वक्त ये अपना बाल सही से धुलवाते नहीं है, बिल्कुल इधर उधर भागने लग जाते हैं, नहाते वक्त शैम्पू करवाते ही नहीं हैं, तो अक्सर करके मुझे टब लगा के इनका बाल ऐसे ही साफ़ अच्छे से करना पड़ता है। तो आज छत पे आए हैं तो छत पे बोला है मम्मा यहीं कर देती, यहीं पे इनका बाल ऐसे करने लग गई मैं। मैंने कहा छत पे आई हूँ चलो क्या करना है, नीचे कमरे में करती हूँ तो पानी पानी हो जाता है, छत पे रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत पानी इधर उधर होगा तो सूख भी जाएगा पानी, तो इनका छत पे ही मैं इनका बाल धुलने लग गई। थोड़ा सा तिल मैं अपने घर से लाई थी मायके से, तो था काफ़ी दिनों से मैं बना नहीं पा रही थी, तो यहाँ पे दीदी उदी नंदन आई हैं तो आज बन भी गया और ख़त्म भी हो जाएगा, मैं इसीलिए नहीं बना रही थी क्योंकि मेरे से ख़त्म ही नहीं होता, बना के करती क्या मैं। एक टेस्ट करके देखती हूँ कैसे बताऊँ, बहुत अच्छा बना है। और पूछो पियू आज बगल से बच्चे आए हैं तो अर्नव बहुत उनको देख के खुश हो गए हैं, तो सारे अपने टॉयज निकाल निकाल के दे रहे हैं कि ये है ये है, तो सब बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चों को खेलता हुआ देख के बिल्कुल अपना बचपन याद आ जाता है कि हम लोग भी बचपन में ऐसे ही खेला करते थे और हम लोग भी कितने खुश हो जाते थे अपने दोस्तों को देख के ये वो सारा सामान निकाल निकाल के दिखाना, और अभी भी बड़े होने पर भी अपने जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं अपने कपड़े वगैरह लाओ तो उन लोग को दिखाना मन ही नहीं मानता बिना दिखाए अपने दोस्तों को, ये देखो वो देखो, तो बच्चों का भी ऐसे ही होता है और बच्चे बच्चों को देख के इतना खुश हो जाते हैं। जब अकेले यहाँ पे बाबू है तो आने वाले हैं वो सिक्सर चक्के, तो मैंने अपनी ईयर रिंग सोने वाली हटा दी है, आर्टिफिशियल डाली है, बाकी पे आएंगे तो सोना ना कुछ नहीं लेके जाएंगे, जो पैसा होगा वही लेके जाएंगे, तो ईयर रिंग वगैरह भी मैं सब हटा दी हूँ, ऊपर का सोने का छोटा छोटा पहन नहीं, पहले बड़ा पहनती थी, और आज मैं रेड येलो वाला सिंदूर डाली हूँ, जब वो है क्योंकि उनके सामने वीडियो नहीं बनाती हूँ, उनको बुरा लगता है, उनको लगता है कि चैनल बनाई होंगी है वो है दुनिया भर का बजाय चाय पी रही है। घर के पीछे खूब सारा पानी भर गया है, बिल्कुल बाढ़ जैसी आ गई है, तो चारों तरफ पानी ही पानी लग गया है, और पास में ही हम लोग के घर के पास ही नदी है तो वहाँ पे भी बाढ़ थोड़ा सा मतलब दिखा रहा था कि ज़्यादा पानी भर गया है तो और भी पानी इधर भर सकता है, तो अभी तो फ़िलहाल इतने ही पानी है और ये नई वगैरह सब सबका डूब चुका है उसमें, और बहुत तेज़ से हवा चल रही थी, बिल्कुल अब बारिश हो सकती है, शाम तक हो ही जाए बारिश, और ये आज हम लोगों ने नीचे पूरा साफ़ किए हैं, मैं और मेरी नंद थी, तो अमरूद के पेड़ थे थोड़े से बड़े तो उसको हम लोगों ने थोड़ा काटा है, छोटा नीचे ही था तो हम लोग काट लिए हैं, हम लोग के ये है गुड़हल का पेड़, तो पिंक कलर का गुड़हल नीचे है, तो ये मैं थोड़ा सा पेड़ काट के लेके आई थी, उसका जिठानी के लड़के मांग रहे थे तो दो दिन से लेके गए ही नहीं, तो मैंने कहा लाओ ऊपर छत पे गमले में लगा देती हूँ, तो वही बस मैं लगाने जा रही हूँ।
और इतनी तेज अब इस टाइम हवा चल रही है, बिल्कुल मौसम भी बन गया बारिश का। जब तक बारिश भी हो जाए चलो 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 तो पेड़ लगाऊंगी तो लग भी जाएगा मेरा। अर्ना और हम छत पे हम लोग चले आए हैं, हम लोग को मन कर रहा था भुट्टा खाने का, तो अर्ना बोले मम्मा चलो, तो फिर हम लोग छत पे चले आए आग जलाने, इसके बाद भुट्टा भुनेंगे हम लोग। तो यहाँ पे अर्ना को बहुत मज़ा आने लग गया था और मेरे साथ साथ वो भी मेरी हेल्प करवाने लग गए थे। छोटी छोटी लकड़ी मेरे पास ही रखी थी, वो मुझे लाला के देने लग गए थे। तो इधर आ जाओ बेटा, इधर धुआं है तो इधर आ जाओ, आ हम लोग भुट्टा भुनेंगे। आ जाओ, देखो गर्म हो गया ना, इसमें हम लोग बालू डाल दें थोड़ा सा। यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा बालू हम लोग डाल रहे हैं, बालू खूब गर्म हो जाएगा तो उसके बाद से हम लोग डालेंगे इसमें भुट्टा। ओहो डाल रहे भाई, कौन कौन खाएगा भुट्टा? तुम्हारा तो बहुत स्टाइल है भाई, तुम भी भुट्टा खाओगे? बाल तो एकदम बढ़िया एकदम लपेट के बना लिया, लग सही कर दे तुम्हारा सर बाल, गाड़ी तो तुम एकदम स्टन करते हो, अच्छे से स्टन करते हो। ये हम ले आए हैं, ये गए थे जब गांव पे वहाँ पे मंदिर पे, तो वहाँ से रास्ते में से हौदी खरीद के लाए, इसमें लगाएंगे कमल का फूल। तो अभी फूल मंगाए नहीं है, ऑनलाइन ऑर्डर करना है अमेजोन से, मुझे अमेजोन से ऑर्डर करेंगे तो फिर इसमें लगाएंगे फूल कमल का। अरे यार फूट रहा है, बहुत तेज से फूट रहा है। अरे मुझको ये दे दो, इस पे ढक दे। लोग लेके नहीं आए थे तो बस पटाखे से इसे ढक दिए, वैसे इसे ढकना नहीं चाहिए, पर कोई बर्तन नहीं लाई थी मैं तो जल्दी इधर उधर फूटने लग गया था, मुझे आइडिया नहीं था इसका, तो फिर मुझे उसी से ढकना पड़ा। ठीक ठाक भुट्टा हो गया है, पता नहीं कैसे कुछ इसका आइडिया होगा। भुट्टा बन के हो गया है मेरा रेडी, अब जा रहे हैं हम लोग चटनी लगाने। चटनी मिर्चा लहसुन और इसमें थोड़ा सा हरे मिर्ची हम लोग डालें और चटनी बहुत ही टेस्टी बन के हो गई तैयार। बाद में थोड़ा सा दीदी लेके आई थी चना, तो वो भी हम लोग भून लिए थे, और भुट्टा चना और चटनी खा के हम लोग बहुत ही मतलब मज़ा आ गया था बरसात के मौसम में। ना मेरे छोना सोना सोना हो सोना, मेरे छोना सोना सोना हो सोना मेरे छोना चोना हो। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग की करती हूँ यहीं पे एंडिंग। आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को। प्लीज़ स्माइल।